थोड़ा सा दिस इज भूकंप के झटके हिमाचल प्रदेश में भी इस तरह की खबर हम सामने देख रहे हैं कि हम लोगों के पास जो खबर आया है, देखिए उत्तराचल में ये एग्जैक्टली जो लोकेशन दिया गया है 30.65 नॉर्थ है और ये जमीन के भीतर 20 किलोमीटर जमीन के भीतर, ज्यादा नीचे नहीं है। तो आप बाहरी इलाका में आज रात, अभी रात 10:50 में इस तरह का भूकंप आता है तो हम लोग को एग्जैक्टली पता नहीं है कितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, कितना लोगों का क्षति हुआ है और लोग क्या हाल में है, क्योंकि चिंता इस बात को भी लेकर हो रही है प्रसून जी कि चूंकि रात का ये वक्त था और छोटे शहर है जहां से ये खबरें हमें आ रही हैं, अमूमन लोग जल्दी चले जाते हैं सोने के लिए अपने घरों में, तो उम्मीद हम यही कर सकते हैं कि इस वक्त तक जगे रहे हों क्योंकि भूकंप की क्षति बहुत ज्यादा होती है अगर सारे लोग नींद में रहते हैं, सोते रहते हैं उस वक्त। मैप के जरिए हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पिथौरागढ़, जिसे केंद्र बताया जा रहा है, जमीन से 20 किलोमीटर नीचे वो डेप्थ है भूकंप का और साथ में ये जो इंटेंसिटी है उसकी 5.3 मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा कहा गया है, 5.3 उसकी तीव्रता है और पिथौरागढ़ होने के नाते समूचा उत्तराखंड, उसके बगल में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर, ये सारे वो इलाके जो प्रभावित हैं अभी तक। उत्तराखंड के सभी रिपोर्टर्स से हम लगातार जो खबरें ले रहे हैं उसके मुताबिक रुद्रप्रयाग, केदारनाथ, ये सारे इलाके हैं जहां से अपडेट्स हमें आ रही हैं, जहां से घबराए हुए लोगों के फोन हमें लगातार आ रहे हैं प्रसून। यकीनन, और उत्तराखंड का चमोली का इलाका इसका केंद्र बताया जा रहा है, तो इस पूरे इलाके में जमीन ढलाओं की होती है, मकान पक्के बन नहीं पाते हैं, उनको लकड़ियों के सहारे बनाया जाता है, इसीलिए ये माना जा रहा है कि चूंकि अगर केंद्र चमोली का वो इलाका है जो कि पहाड़ी इलाका है और वहाँ पर पहले से ही अगर मौसम जिस रूप में बिगड़ा हुआ है और अगर वहाँ पर इसकी तीव्रता 5.3 भी महसूस की गई होगी तो क्या असर पड़ा होगा। ये जान माल हानि अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, हम दर्शकों को बता दें, लेकिन एक तरह का इस रूप में डर और खौफ एक लोगों के भीतर है क्योंकि उसके बाद कोई ट्रेमर महसूस नहीं किया गया है, एक बार जो झटका महसूस किया गया है उसके बाद नहीं किया गया और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि लगभग 5 मिनट 10 मिनट या आधे घंटे तक के बीच में, हालांकि 10:33 पे भूकंप का यह झटका महसूस किया गया था, उस लिहाज से हम समझे तो तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद कोई दूसरा झटका महसूस नहीं किया गया है, लेकिन लोगों के भीतर एक दहशत जरूर है कि खास तौर से जिन इलाकों से हमारे रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं, जो उत्तराखंड के अलग अलग इलाके हैं और खास तौर से हिमाचल का इलाका है, उत्तराखंड में हालांकि रात के 10 बजे तक तो सामान्य तौर पर चुनाव प्रचार लोगों के बीच में घूम घूम के होता है चूँकि वहाँ चुनाव की स्थिति है, लेकिन बावजूद इसके मौसम बिगड़ा होने की वजह से अंधेरा ढलते ही वहाँ पर खामोशी बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन फिर भी ये जानकारी दे दें कि अभी तक किसी तरह के कोई जानमाल की कोई जानकारी अभी तक नहीं आई है। हाँ, लोग खौफजदा हैं, दहशत में हैं जिस तरीके से ये भूकंप के झटके महसूस किए गए, और शहरों में खास तौर से दहशत कहीं और ज़्यादा हो जाती है, लेकिन क्योंकि हमारे संवाददाता जो रह रहे थे निशांत, वो खुद बता रहे थे वो 26 मंजिल पर रहते हैं तो वो क्या करते अगर भूकंप आया है, तो ये दिल्ली और NCR के इलाकों की ये सबसे त्रासदीपूर्ण स्थिति है कि जब भूकंप आता है और वो ऊपर रहते हैं तो उनके सामने कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है सिवाय इसके कि अपनी बालकोनी में निकल कर आएँ और देखें नीचे क्या स्थिति है, क्योंकि उतरते उतरते या तो भूकंप से कोई प्रभाव पड़ेगा या फिर उसके बाद जमीन थम जाएगी यानी भूकंप के ट्रेमर्स खत्म हो जाएंगे। ये एक स्थिति दिल्ली और NCR के इलाकों में बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोगों के जहन में जरूर होते हैं, लेकिन नोएडा का वो इलाका जिस जगह पर हम मौजूद हैं उस जगह पर तमाम दफ्तर रात भर चलते हैं, काम होते रहता है, तो ऐसे में एक अफरा तफरी का माहौल हर दफ्तर में देखने को मिला, जिस तेजी के साथ लोग नीचे उतर रहे थे, सीढ़ियों के रास्ते उतरते हैं, लिफ्ट नहीं ली जाती है, ये सामान्य स्थिति है, हर दफ्तर की ये ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी सड़क पर जितनी बड़ी तादाद में लोग जमा होते चले गए, ये सारी चीज़ें हैं कि भूकंप की तीव्रता 5.8 बताई जा रही है और जो मापी गई है, और ये जाहिर है जो इसका पिपलीकोट जिसका हम जिक्र कर रहे थे जो कि चमोली का इलाका है, भितौड़ागढ़ है इसका भूकंप का केंद्र बताया जा रहा है, ये पूरा का पूरा इलाका जो है पहाड़ी इलाका है, हम आपको खास तौर से बता दें ये सीमा के नज़दीक का इलाका है, चीन से सटी हुई सीमा यहाँ से बहुत दूर नहीं है, तो चीन में भी इसको किस रूप में महसूस किया होगा गया होगा यह भी जानकारी आएगी, लेकिन हिंदुस्तान के भीतर जो अलग अलग जगहों पर खास तौर से उत्तर भारत के समूचे इलाके में जो महसूस किया गया है ये पूरा झटका, इससे लोगों में एक दहशत जरूर है तमाम जगहों पर। जुलेश समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर एस के सिंह साहब। सिंह साहब, चूंकि उत्तराखंड का पिथौरागढ़ का इलाका पहाड़ी इलाका, अगर वहां पर एपिक सेंटर 5.8 है तो उन इलाकों में क्या असर रहा होगा? देखिए, असर तो इसका 5.8 है तो क्रिटिकल जोन में है, लेकिन 6 से नीचे अगर कुछ होता है तो अगर डैमेज की संभावना ज्यादा नहीं होती है,
और ये इस पर भी निर्भर करता है कि कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ कैसे हैं। अगर कंस्ट्रक्शन वर्क अच्छे होंगे तो ज़्यादा जान माल की क्षति होने की संभावना नहीं है, और अगर कंस्ट्रक्शन वर्क ठीक नहीं है, जो पुअर हैं, वो थोड़े डैमेज हो सकते हैं। लेकिन चूंकि ये 6 से नीचे है, इसलिए ये कहना ठीक होगा कि उतना उतनी चिंता का विषय ये नहीं है। अगर ये 6 या 6.5 या 7 आता तो काफ़ी क्षति हो सकती थी, लेकिन चूंकि इलाका ही वैसा है, पूरा हिमालयन जोन जो है, हिमालय पहाड़ की उत्पत्ति इसी से हुई है, दो प्लेट के टकराने से, और ये हलचल वहाँ हमेशा होती रहती है। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि 5.8 पे हो गया तो काफ़ी एनर्जी जो है वो रिलीज हो गई। तो सिंह साहब, इसकी दूसरी स्थिति है कि लोगों में एक तरह से दहशत है कि क्योंकि कहा जाता है कि फिर चरमर्स जो होते हैं कुछ देर के बाद फिर आते हैं, तो क्या उसका भी कोई अंदेशा लगता है? इसमें संभावना कम लग रही है, क्योंकि जनरली जो आफ्टर शॉक्स होते हैं वो बड़े भूकंप के बाद होते हैं, 6.5-7 रिक्टर स्केल पे हो। लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि 5.8 है, या कोई कह रहे हैं 5.5 है, तो इसके बाद ट्रेमर्स आने की संभावना लगभग 9 के बराबर समझी जानी चाहिए। हालांकि 100% कहना तो मुश्किल होता है, आप जानते हैं, लेकिन हम समझते हैं कि चिंता की कोई खास बात नहीं होनी चाहिए। और खास तौर से अगर ये उत्तराखंड के उन पहाड़ी इलाकों में केंद्र है तो वहाँ के पहाड़ों पर इसका क्या असर होता है? हाँ, पहाड़ों में जैसे अब जहाँ पे स्टीप स्लोप्स होंगे, थोड़े लूज अनस्टेबल स्लोप्स होंगे, वो हो सकता है कि थोड़े भूस्खलन की संभावना हो, लेकिन आगे एक आध घंटे में पता चलेगा। बट ऑन द होल ये उतना डिवास्टेटिंग नहीं लग रहा है। लेट अस होप, हम लोग आशा करें कि सब कुछ ठीक रहेगा। और खास तौर से जो पहाड़ों के इलाकों में मौसम बिगड़ा हुआ है, वहाँ पर प्राकृति नई नई आपदा के साथ आ रही है, इस दौर में भी लगातार बर्फबारी हो रही है, जो स्थिति है क्या उसको इससे जोड़ के तो नहीं देखा जा सकता है? उससे तो जोड़ के नहीं देख सकते, लेकिन चूंकि धरती हिली है, भूकंप आया है, तो जहाँ जहाँ बर्फबारी हुई है वहाँ क्रैक्स में पानी घुस जाएंगे, वो पिघल जाएंगे, और उससे क्या होता है कि पत्थरों के फिसलने की संभावना बढ़ जाती है, भूस्खलन की संभावना बढ़ जाती है। तो ये थोड़ा उसमें कैटलिस्ट का काम करता है जो डैमेज को थोड़ा ज्यादा कर दे। चलिए सिंह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये दर्शकों को जानकारी दे दें कि 5.8 का मतलब भूगर्भ शास्त्रीय के मुताबिक ये कोई बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन जिस तरीके से जो दिल्ली और NCR के इलाके में बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोग हैं, चंडीगढ़ में हैं बहुमंजिली इमारतों में रहने वाले लोग, एक दहशत की स्थिति पूरे उत्तर भारत में उन इलाकों में शहरों में जरूर आती है जहां पर एक शांत और सामान्य जीवन हो रहा हो, लेकिन एक दूसरी स्थिति यह भी है कि चूंकि सबसे ज़्यादा नुकसान अक्सर ये माना जाता है कि कच्चे घरों को लेकर होता है, कच्चे घरों में जो लोग रहते हैं, इसलिए बार बार होती है हिदायत कि कच्चे घर भी जो बनाए जाए वो भूकंप रोधी होने चाहिए, भूकंप को देखते हुए उस तरीके से घरों का निर्माण होना चाहिए। पहाड़ों पर कुछ जगहों पर ये होने भी लगा है, लेकिन जिन इलाकों में जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो चमोली का इलाका है, जो पिथौरागढ़ का इलाका है, वहाँ पर जो पहाड़ के मकान हैं, पहाड़ों पर जो मकान है वो बेहद कच्चे भी होते हैं, और इस तरीके से वहाँ से अभी कोई जानकारी नहीं आ पा रही है कि वहाँ पर सैगल क्या जानकारी मिल पा रही है। सैगल जी बताइए। अच्छा, वो उनके फोन नहीं लग रहा, लेकिन श्वेता आपके पास क्या इंफॉर्मेशन आ पा रही है? हमारे सामने आ चुका है प्रसून जी, जिसके जरिए हम समझ सकते हैं कि कहां कहां पर प्रभाव देखने को मिला है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हैं और थोड़ा सा उत्तरी उत्तर प्रदेश, वो मैप अगर हम देख लें एक बार। देखिए यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है उत्तराखंड के जो एपिसेंटर दिखाई दे रहा है, जो पिथौरागढ़ हम लोग कह रहे थे, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि 200 मीटर रेडियस में कौन कौन जगह आ रहा है, जैसे कि मुरादाबाद से लेकर पूरा अलीगढ़ तक, मेरठ, सब इसमें है। सब इसमें है। तो एग्जैक्टली हम लोग यहाँ पे ऑफिस में बैठे भी जो महसूस किया था, जो झटके हम लोग महसूस किए थे, वो स्वाभाविक है क्योंकि आप 200-300 मीटर के रेडियस के अंदर आ रहे हो, और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये जो रेडियस है, ये जो ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है वो लार्जली अफेक्टेड एरिया है, अफेक्टेड एरिया है। तो आप ये भी देख सकते हो कि इस विजुअल में कि ये सैटेलाइट पिक्चर है कि कैसे यहाँ पे ग्लेशियर दिखाई दे रहा है, उत्तराखंड से पूरा बर्फ़ से छाए हुए है, और आप रात में इस टाइम एक भूकंप आया है जहाँ पे 30 सेकंड्स को ड्यूरेशन है, 5.8 उसका रिक्टर स्केल है, तो उसका तबाही कितना दूर तक जाएगा हम लोगों को अभी तक पता नहीं है। पूरा इलाका यहाँ से हिमालय के दूसरे छोर तक भी हम जाता हुआ देख सकते हैं,
यहाँ पर तो भारत के शहर हमें दिख रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हमें देखना होगा कि कहाँ तक क्या वहाँ से खबरें आती हैं, क्योंकि जैसा बता रहे हैं कि ग्लेशियर्स का पूरा इलाका दिख रहा है, लेकिन इन ग्लेशियर्स में 900 ग्लेशियर कम से कम ये पूरा ये उत्तरकाशी उत्तराखंड वाले इलाके में आते हैं, जिसमें बड़े गंगोत्री और यमुनोत्री ग्लेशियर्स भी आते हैं। जहां तक पहाड़ों का सवाल है, उस पर निर्माण कैसा है ये कम से कम उत्तराखंड के मामले में हम सेकेंडरी कह सकते हैं, क्योंकि पहाड़ों का कैरेक्टर कैसा है। प्रसून जी, इस दफा पिछले 2-3 साल में लगातार उन सभी पहाड़ी इलाकों में और पर्यावरण पर खास रिपोर्टिंग करने मैं गई थी, तो इस वजह से वहां के पहाड़ों को लेकर वहां के जो भूगर्भ वैज्ञानिक है वो हमेशा ये कहते हैं, क्योंकि आम दिनों में भी गर्मी के दिनों में भी बहुत सारे हिस्से होते हैं उस पहाड़ी के जहां पर भूस्खलन होते रहता है, जहां पर मिट्टी दरकती रहती है, जहां पर चट्टान गिरते रहते हैं, खिसकते रहते हैं, और इसीलिए भूकंप से वो बहुत ज्यादा डरे रहते हैं। अशोक सिंघल भी हमारे साथ यहां पर हैं। अशोक जी, चुनाव का भी वक्त है, हालांकि पहाड़ी इलाकों में तो 10 बजे रात तक नहीं प्रचार रहता है, नीचे वाले इलाकों में ज्यादा रहता है, लेकिन अब प्रचार और मुश्किल हो सकता है। वो बिल्कुल श्वेता, क्योंकि बहुत परेशानी होने वाली है, अभी देखना पड़ेगा कितना नुकसान हुआ है। अभी इनिशियल रिपोर्ट यही है कि भूकंप के झटके लगे हैं, पिथौरागढ़ वहाँ का एपिक सेंटर है, लेकिन कितना नुकसान हुआ, लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घर से बाहर निकले हैं, लेकिन कैंपेन क्योंकि लगातार चल रहा है, 15 फरवरी को वहाँ पे पोलिंग होनी है, तो ये परेशानी होने वाली है, क्योंकि पहाड़ी इलाके हैं, जमीनी स्तर पर लोग किस ढंग से वहाँ पर रैलियाँ जो की जा रही हैं वहाँ कितना लोग पहुँच पाएंगे, क्योंकि झटके से संभल पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 5.8 इसकी तीव्रता नापी गई है अभी तक जो इनिशियल रिपोर्ट आई है, और नुकसान का भी पता चलना बाकी है कि नुकसान हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन जरूर लोगों में पैनिक है, वहाँ पे डर का माहौल है, और चुनाव में इसका कहीं ना कहीं असर दिख सकता है 1-2 दिन आने वाले दिनों में। और सिर्फ आकलन मौजूदा जो नुकसान हुआ है, क्या बात हो गई अभी जी? 10:45 पर यहाँ भूकंप आया था, इसलिए हम सारे बाहर आ गए थे। एक दीवार में तो अलग अलग जगहों की तस्वीर आपके स्क्रीन पर चल रही है, जिसमें लोगों की मौजूदगी सड़क पर ज्यादा है, घरों में से लोग बाहर निकल कर आ गए हैं, अपनी मौजूदगी का एहसास इसी रूप में करा रहे हैं कि वो डरे सहमे तो जरूर है। और ये अलग अलग शहरों में, खासतौर से समूचे उत्तर भारत के इलाके में, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का कुछ इलाका, चंडीगढ़ खासतौर से, हिमाचल प्रदेश का कुछ इलाका, कुछ कश्मीर के इलाके में भी जानकारी आ रही है कि वहाँ पर भी झटके महसूस किए गए हैं, हालांकि कितनी तीव्रता के साथ महसूस किए गए, चूँकि उसका जो एपेक्स सेंटर है वो बता रहे हैं जब कि पिथौरागढ़ का इलाका है, तो एक लिहाज से हम समझ सकते हैं कि पिथौरागढ़ के इलाके में जो पूरा का पूरा पहाड़ों का इलाका है वहाँ से खबर नहीं आ पा रही है। जटिल भी होता है वहाँ पर जिंदगी, जिन स्थितियों में जीते हैं वो अपने आप में एक संघर्षपूर्ण स्थिति रहती है वहाँ पर जीते हुए, और वहाँ पर एपिक सेंटर 5.8 मापी गई है, तो भूकंप का केंद्र जो है वो उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है, लेकिन किसी तरह के कोई जान माल के किसी नुकसान की खबर नहीं मिली है। लेकिन अजय बोस जी, आप SP बोल रहे हैं, क्या जानकारी है, किसी तरह की कोई जान माल की हान के नुकसान की खबर तो नहीं है? वाजपेयी जी अभी तक, हेलो जी जी बोले, क्या मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। हाँ, जहां तक मेरी जानकारी है, जितना मैंने अभी जानकारी की है, कहीं से कोई नुकसान की खबर नहीं है, बिल्कुल हम लोग अलर्ट पे हैं, यदि कोई जानकारी कहीं से आएगी तो हम लोग बिल्कुल रश करेंगे, और कहीं से कोई नुकसान की जानकारी नहीं है अभी तक। तो आपने खुद कैसा महसूस किया वहां पर जब भूकंप आया? तो देखिए, ट्रेमर्स तो आए हैं, बिल्कुल हल्का झटका सा महसूस किया हम लोगों ने, इतना झटका था कि हम महसूस कर सकते, लेकिन कहीं कोई नुकसान की कोई जानकारी नहीं है अब तक। अच्छा, तो आप अपने ऑफिस में ही थे उस वक्त या घर में थे? नहीं, मैं घर पे था वाजपेयी जी। मैं घर पे था, लेकिन कोई नुकसान की सूचना नहीं है, जहां तक मैंने जानकारी की है सभी जगह से, कोई नुकसान की जानकारी नहीं है। क्योंकि ये बात होती है कि जहाँ कच्चे मकान होते हैं वहाँ पर एक डर रहता है, तो ऐसे कौन से इलाके हैं? देखिए, पहाड़ में आप जानते हैं कि पहाड़ में कोई सीधी जमीन तो होती नहीं है, ऊंची नीची जमीन होती है, तो ये हमेशा संभावना बनी रहती है नुकसान की, लेकिन अभी तक जितनी मैंने जानकारी की है, अभी हम लोग विस्तृत जानकारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक की जानकारी के अनुसार कहीं से कोई नुकसान की सूचना नहीं है। बिजली वगैरह तो है ना, वो तो नहीं गई है ना?
नहीं बिजली है, सब कुछ ठीक है, बिल्कुल सब कुछ सामान है अभी तक। चलिए बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। पिथौरागढ़ कहीं एसपी बता रहे थे कि चूंकि वही एपिक सेंटर है और वहीं महसूस किया गया है, तो इसका मतलब है कि वहां पर अभी भी कोई जानमाल के कोई खबर नहीं। एक अच्छी बात ये निकल कर आ रही है कि इस तरह से कोई नुकसान नहीं हुआ, हालांकि खुद भूगर्भ शास्त्री का भी कहना था कि अच्छा ये एक स्थिति आई है। रुद्रप्रयाग का इलाका को अब एपिक सेंटर बताया जा रहा है कि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में भूकंप का केंद्र है। ये जरा समझना चाहिए कि जमीन से किस किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र रुद्रप्रयाग में है, तो ये पूरा का पूरा इलाका रुद्रप्रयाग का इलाका का मतलब वही है कि जहाँ पर गंगा नदियों का समागम है, भागीरथी निकलती है, गंगा निकलती, तो ये उसका एक समागम की स्थिति है। रुद्रप्रयाग का इलाका जो है वहाँ पर इसका एपिक सेंटर बताया जा रहा है 5.8। ये पूरी की पूरी लकीर जो आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड की, ये पूरा रुद्रप्रयाग का इलाका हो या पिथौरागढ़ का इलाका हो या जिसका जिक्र पिपलीकोटी का कर रहे थे जो कि चमोली का इलाका है, ये पूरे इलाके में आप कह सकते हैं एक मुश्किल और संघर्षमय जीवन रहता है लोगों की मौजूदगी यहाँ जिस रूप में रहती है। लेकिन चूंकि ये रुद्रप्रयाग के इलाके को अगर एपिक सेंटर बताया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या वो पानी के नीचे जमीन का हिलना और उसकी प्लेट्स का हिलना रहा होगा, इस बारे में भी कोई जानकारी आएगी तो पता चलेगा, क्योंकि इससे पानी में एक उफान भी आता है अगर इस तरीके से नदी के इलाके में एपिक सेंटर है तो उन सब चीज़ों की जानकारी आएगी। लेकिन अगर पिथौरागढ़ के एसपी कह रहे हैं, प्रयास करेंगे कि रुद्रप्रयाग के भी एसपी से बातचीत हो जाए, वहाँ के भी पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत होगी जिससे कि जानकारी मिल पाएगी। लेकिन लोगों में एक तरह की दहशत जिस रूप में है, वो तस्वीरें आपके स्क्रीन पे लगातार चल रही है, लोगों में एक तरह से था कि ये झटका महसूस किया गया है तो क्या फिर ये झटका आएगा। हालांकि जो भूगर्भ शास्त्री सब हैं उनका कहना है कि नहीं, इस तरह की कोई स्थिति नहीं आएगी जो इतनी देर तक नहीं आई है, चूँकि लगभग 10:33 पर यह महसूस किया गया था और हम लोग खुद जिस ऑफिस में बैठे हैं वहाँ खबरें लगातार दे रहे थे और उसी सब के बीच में आया तो कैमरा हिलने लगता है, लाइट हिलने लगती है। उसको तुरंत कैमरे में कैद तो नहीं किया गया, लेकिन सब कुछ अपनी आंखों से जब आप देखते हैं तो महसूस करते हैं कि यहाँ अच्छा इस तरीके से ज़मीन हिली है और उसका ये असर है। तो ख़ास तौर से दिल्ली, NCR और आधुनिक शहरों में ये समझ होती है कि ज़मीन अगर हिल रही है तो अगर वो मंजिली इमारत पर है तो वहाँ क्या अटके रह जाएगा। ये सारे डर और भय और दहशत की स्थिति में लोग को जमीन पर फिर नीचे लेगा के खड़ा कर देते हैं, ये एक महसूस हम लोग लगातार कर रहे हैं। और श्वेता, और कोई जानकारी आप तक आ रही है? प्रसून जी, दरअसल हम वो पूरा नक्शा आपको बड़ा करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर, जो सैटेलाइट इमेज दिखाएगा उस पूरे इलाके का, लेकिन वहां पर बहुत ज्यादा चिंता इस बात को भी लेकर हो जाती है और पहाड़ों की चोटियों पर मौसम विभाग के अलग अलग कर्मचारी तैनात रहते हैं ताकि इन सारी इस तरह की जो भी चीजें रहे उसकी पूरी संयुक्त जानकारी सब तक पहुंचती रहे। तो इसमें सबसे ज्यादा डर उन लोगों को यह भी रहता है, क्योंकि सिर्फ पहाड़ों के टूटने का डर नहीं होता है, ग्लेशियर्स के टूटने का भी डर हो जाता है। अभी दरअसल हम वो पूरा इलाका वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं उत्तराखंड के, जहां पर देवप्रयाग का हिस्सा बताया जा रहा है। ये पिथौरागढ़ हम इस वक्त देख रहे हैं अपने इस नक्शे पर, जिसमें रुद्रप्रयाग का इलाका और उससे पूरा ये दायरा हो जाता है एक, जिसमें भारत के इलाके हमें पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के नज़र आ जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा हिस्सा इस भूकंप की चपेट में नज़र आता है। उत्तर प्रदेश के चंद ज़िले इसके चपेट में दिखते हैं और दूसरी तरफ हिमालय का वो एक बड़ा खंड जिसे लेकर ज़्यादा चिंता इस वक्त सभी लोगों को होगी कि भूकंप का तत्काल प्रभाव क्या है और भूकंप के जो दूरगामी प्रभाव हैं वो आने वाले 1-2 दिनों में भी बहुत तरह से नजर आ सकते हैं। पूरा कितना अनस्टेबल हो जाएगा वो पूरा इलाका, उसे लेकर अभी बहुत सारे इलाकों को, बहुत सारी सड़कों को भी इंस्पेक्ट किया जा रहा है कि क्या उन मार्ग को बंद करने की ज़रूरत तो नहीं हो रही है। जिस तरह से हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं कि जो मेट डिपार्टमेंट है उसने 5.3 से रिवाइज करके बताया कि 5.8 है वो तीव्रता, और इसके साथ ही जो एपिसेंटर है स्पष्ट कर दिया गया कि वो रुद्रप्रयाग का इलाका है। रुद्रप्रयाग जिसके बगल में देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और गंगा पर आकर मिलती हैं, और एक मान्यता ये भी है कि वहाँ से गंगा को गंगा नाम मिलता है, लेकिन गंगा का जो उद्गम स्थल है गोमुख, वहाँ का इलाका भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है इस इलाके से अगर हम देख लें तो। उसमें उत्तरकाशी का जो जिला है वो भी यहीं पर हमें नजर आता है। इसीलिए रिहाइश से बढ़कर पहाड़ों पर कैसा प्रभाव कि यहां उत्तरकाशी से होते हुए ये पूरा इलाका आगे बढ़ते हुए हम ऋषिकेश, हरिद्वार
और उससे पहले ऋषिकेश से ठीक पहले जब पहाड़ों से उतरती है गंगा उस वक्त टिहरी का वो इलाका देखें और उसका जो डैम है वो इलाका देखें तो ये पूरा इलाका अभी जो शुरुआती असर यानी तत्काल असर और इसके आगे जो असर होगा उन सारी चीजों को आंका जा रहा है। प्रसून, हम लगातार संपर्क में हैं ताकि हमें जानकारी तत्काल मिलती रहे और समझ में आता रहे। अभी तक सबसे शांति की बात यही है कि कोई भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आ पाई। यकीनन ये रुद्रप्रयाग खास तौर से जिसका जिक्र कर रही थी श्वेता, ये बता दें कि दरअसल गंगा नदी यहीं से बनती है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का मिलना, उसका देवप्रयाग में जाके भागीरथी में मिलना का पूरा अगर नदी का इलाका है तो इस इलाके में जो प्लेट्स अगर हिली होंगी तो जमीन के नीचे का असर नदियों पर क्या पड़ा होगा, यह भी एक कहीं ना कहीं एक रिसर्च की बात होगी भूगर्भ शास्त्रियों के लिए। लेकिन एपी सेंटर रुद्रप्रयाग है और रुद्रप्रयाग का मतलब यह है कि यह इलाका देव की भूमि, जहां पर बेहद खूबसूरत नदियों का संगम अपने आप में एक अनोखी खूबसूरती इस पूरे इलाके की है। तो मनाइए कि इन इलाकों में किसी तरीके से कोई ऐसी जानमाल की खबर ना आए, ये क्योंकि बेहद खूबसूरत और बेहद शानदार जगह है ये जहाँ पर नदियों का समागम होता है। और ये भी हम आपको बता दें कि दरअसल जब जिक्र हम रुद्रप्रयाग का कर रहे हैं तो हम स्क्रीन पे यहाँ सामने देख रहे थे कि यहाँ पर नारद मुनि ने भगवान शिव की उपासना की थी और नारद जी का आशीर्वाद देने के लिए भगवान शिव ने यहाँ रौद्र अवतार भी लिया था। ये खैर बहरहाल एक अलग मसला है, धार्मिक मसला है, लेकिन इन सब के बीच विज्ञान ये कहता है कि अगर नदी के इलाकों में, जिन इलाकों में नदी या जिन इलाकों में पहाड़ होते हैं उन इलाकों में अगर एपी सेंटर बनता है और वहाँ पर अगर भूकंप का असर सबसे तीव्र होता है तो उसका असर वहाँ के नदियों और पहाड़ों पर भी बहुत तीक्ष्ण तरीके से पड़ता है और ये असर आने वाले वक्त में धीरे धीरे इसका असर उस इलाके में दिखाई देता है। कभी कभी नदियों की धारा बदलती है जो एक अलग दिशा में लेती है, कभी कभी पहाड़ों पर फिसलन बहुत तेज़ी से होती है जो पत्थरों के गिरने से इन इलाकों में लगातार, चूँकि कच्चे पहाड़ भी इन इलाकों में मौजूद हैं उससे भी असर पड़ता है। और चूँकि इन पहाड़ों पर ज़मीन जो होती है वो प्लेन जमीन बिल्कुल नहीं होती है तो उसका असर वहाँ पर रहने वाले लोगों के जीवन पर भी पड़ता है। यहाँ पर खेती भी मुश्किल है, यहाँ पर खास तौर से जो जानवरों का पालन पोषण होता है वह भी बेहद मुश्किल है और रहना भी अपने आप में मुश्किल है प्रकृति की सुंदरता के बीच के बावजूद भी। लेकिन इन सब का असर किस रूप में कैसे होगा ये तो धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन रुद्रप्रयाग की पहचान, यहाँ से गंगा नदी का निर्माण, अलकनंदा मंदाकिनी का मिलना और देवप्रयाग में जाके भागीरथी से मिलना, ये एक अनोखी खूबसूरती है इस पूरे इलाके की। और इस इलाके में जैसा श्वेता बता रही हैं कि इसी इलाके में 5.8 के साथ एपिक सेंटर बताया जा रहा है, एपी सेंटर जो है। श्वेता, और कोई जानकारी आ रही है, चूँकि आप इस पूरे इलाके का आपने एक बार जिक्र भी किया था जब आप गंगा की खोज में निकली थी, तो पूरा इलाका है गुप्तकाशी, सोनप्रयाग, खिरसू, इस पूरा गौरीकुंड, पूरा इलाका ही है उस तरीके से भरा हुआ, जाहिर है इन सब जगहों पे असर हुआ होगा। जी प्रसून, और इसीलिए हम लोग संपर्क करने की कोशिश भी कर रहे हैं, कुछ ऐसे संवाददाता हैं जिनसे फोन से संपर्क नहीं हो पा रहा है अभी। अजय, हम उम्मीद कर सकते हैं कि जल्दी हो पाए या फोन का लाइन नहीं लग पा रहा है? जी एक बार सर, फ़ोन अभी नहीं लग पा रहा, लगातार हमने कोशिश की है लेकिन फ़ोन नहीं लग पा रहा है। और फिलहाल जो सूचना आ रही है, पिथौरागढ़ के एसपी से ही बात हुई, रुद्रप्रयाग के एसपी से ही बात हुई है, फिलहाल जानो माल के नुकसान की बात उसे वो मना कर रहे हैं। जो शुरुआती रिपोर्ट आ रही है, टिहरी वाले सिंगर से हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात हो जाए तो वहाँ की भी रिपोर्ट हमें आ जाए, चूँकि टिहरी डैम है वहाँ और भूकंप के मामले से 5.8 एक बड़ा बना है तरीचर स्केल पर, तो इंतजार कर रहे हैं जैसे ही वहाँ से अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को इस बारे में अवगत कराएंगे। इसीलिए हमारी पूरी टीम रात के इस वक्त भी लगी हुई है लगातार कि किस तरीके से हमें जानकारी मिले और संपर्क करने की कोशिश हो रही है। प्रसून जी, कुछ इलाके हैं जैसे देहरादून का इलाका, चूंकि शहरी इलाका है वहां पर आसानी हो रही है बात करने में हमारे संवाददाताओं से, लेकिन ये जो छोटे छोटे इलाके हैं जहां से हम खबरें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उत्तरकाशी से लेकर टिहरी तक, ऋषिकेश हरिद्वार से हमारा संपर्क हो गया है लेकिन उत्तरकाशी से लेकर टिहरी तक का जो इलाका है वहां पर हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। जाहिर है जब भूकंप की परिस्थितियों में और उसके बाद जो वहां पर लाइनें होंगी उनका जो हाल होगा उससे हम जोड़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल स्पष्ट तौर पर जो आधिकारिक प्रतिक्रिया आ रही है, जो आपकी भी बात हुई थी एसपी से, उन लोग यही बार बार कह रहे हैं कि
इलाके में कहीं से भी उन्हें किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। नहीं नहीं, एक अच्छी बात है, नहीं नुकसान की कोई खबर आई है। और ये भी बता दें कि दरअसल रुद्रप्रयाग से सबसे नजदीक का जो शहर है वो देहरादून का इलाका जो है, वहाँ का जो जोली ग्राउंड जहाँ पर हवाई अड्डा है वो तकरीबन 160 किलोमीटर की दूरी पर है, जो रुद्रप्रयाग के जिस इलाके से हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन केदारनाथ का मंदिर बहुत नजदीक है, और खासतौर से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक वक्त जब जिस तरीके से प्रकृति ने अपना रौद्र रूप दिखाया था तो वो नजारा केदारनाथ मंदिर के द्वार पे ही नजर आया था, और इस वक्त भी केदारनाथ दरअसल भारत के उस प्रमुख धार्मिक स्थानों में से एक है, कहे तो चार धामों में से चुकी एक। और ये इलाका जो है समुद्र तल से लगभग 3,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और यहाँ पर भूकंप का आना जो खास तौर से सबसे ज़्यादा समुद्र तल से ऊंचाई पर होते हैं, वहाँ पर इसका असर प्राकृतिक विपदा में तो नहीं लेकिन प्राकृतिक उथल पुथल के साथ जुड़ता चला जाता है। यानी आने वाले वक्त में जब यहाँ पर प्लेट खिसकती है जमीन के नीचे तो उसका असर पानी की धाराओं पर जरूर पड़ता है, कच्चे पहाड़ों पर जरूर पड़ता है, यहाँ के रहने वाले लोगों की जिंदगी पर उसका असर धीरे धीरे नजर आता है। चूंकि राठौर साहब, क्या जानकारी है? प्रसून सर, अभी तक जो पता लगता है कि कुछ जानमाल के नुकसान की खबर तो नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरीके से बताया गया कि गुप्त काशी में इसका एपिसेंटर है और जो पीपल कोटी है उससे करीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, तो चमोली और रुद्रप्रयाग दोनों ही जिले जो है इससे इफेक्टेड है। नहीं तो आप बता रहे हैं कि पिपली कोट, इसकी भी जानकारी आ रही थी कि पिपली कोट इसका केंद्र है जो चमोली का इलाका है, और रुद्रप्रयाग और पिपली कोट की दूरी कितनी है? लगभग 30 किलोमीटर के का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। एयर डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो जो पहाड़ी श्रृंखला है जो जो केदारनाथ से और चमोली के पहाड़ों को जो जोड़ती है वो लगभग 30 किलोमीटर का एयर डिस्टेंस है। तो अगर यहाँ पर कोई बड़ा भूकंप आया है तो उसका नुकसान जरूर हर हालत में चमोली डिस्ट्रिक्ट को भी होगा सर। तो इन इलाकों में जो लोगों की रिहाइश है, चूंकि जमीन तो पहाड़ी जमीन है जहाँ पर घर बना के रहना, कच्चे मकान रहते, किस तरह की रिहाइश है यहाँ पर? देखिए यहाँ पर कुछ बहुत वैसी रिहाइश नहीं है, पक्के नदी के किनारे लोग रहते हैं, और क्योंकि पहाड़ी एरिया में जब कोई घर बनाता है तो भूकंप के बाद जो हलचल होती है उससे पहाड़ों से पत्थरों के गिरने का ज्यादा खतरा रहता है, जिससे मकान के टूटने का नुकसान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इस तरह की कोई खबर तो नहीं आई है ना, किसी तरह की दुखद खबर तो नहीं आई है ना जिन इलाकों में भूकंप से प्रभावित लोग हुए हैं? देखिए अभी तक ऐसी कोई दुखद खबर तो नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें जानकारी जल्दी से जल्दी मिल सके जिससे कि जो सही हालात हैं उनके बारे में हमें पता लग सके। अच्छा, हमारे सहयोगी हैं गौरव, उनकी जानकारी आई है कि ऋषिकेश में वो हैं और बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने भूकंप का महसूस किया जो रुद्रप्रयाग से चंद किलोमीटर की दूरी पर, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। अच्छा नेगी, क्या जानकारी आपके पास आ रही है? फिलहाल हम उत्तराखंड में क्योंकि काफी जगह पर बॉर्डर के इलाकों में सेना तैनात है, सेना मुख्यालय दिल्ली से जानकारी भी जुटाई गई है, चाहे बात हरसिद की जाए, जोशीमठ अगर हम रुद्रप्रयाग जिले की बात करें जहां पर सेना की यूनिट है, इसके अलावा माणा पिथौरागढ़ जहां जहां सेना की यूनिट उनको अलर्ट किया गया है, उनसे जानकारी जुटाई गई है। फिलहाल सेना के जो अधिकारी दिल्ली में उनका ये कहना है कि उनसे जानकारी ली गई है इन इलाकों से, लेकिन फिलहाल अच्छी बात यही किसी जानमाल के किसी तरह के नुकसान की खबर सेना ने नहीं दी है, लेकिन उनको अलर्ट जरूर कहा गया, और अब सुबह होने के बाद इस बात की जानकारी ज्यादा मिल पाएगी किस तरह का वहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन फिलहाल अभी तक की जो जानकारी है सेना की जो अलग अलग यूनिट बॉर्डर पर तैनात है उत्तराखंड में उनसे जो जानकारी मिली है तो किसी तरह का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ है। पहले ये जानकारी है कि कृष्ण जी की पिथौरागढ़ एपिसेंटर है, लेकिन उसके बाद रुद्रप्रयाग की बात की, दोनों जगह के जो आला अधिकारी हैं यानी कि पुलिस के एसपी हैं उनसे हमने बात की है, उन्होंने फिलहाल किसी तरह की जानमाल के नुकसान की बात नहीं की। इसी तरह देहरादून में जो पुलिस के आला अधिकारी हैं आईजी है ऑपरेशन, उन्होंने भी जानकारी दी है कि वो लगातार खास तौर से जो सरहदी इलाके हैं बॉर्डर के इलाके हैं जहां पर एपिसेंटर की बात की जा रही है और जहां नुकसान की ज्यादा संभावना हो सकती है खासतौर से जो दुर्गम पहाड़ी इलाके हैं वहां पर जानकारी ली जा रही है, लेकिन अभी तक इस बात का शुक्र कहा जाएगा कि जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आ रही है। तो किस तरह की इस इलाके में किसी तरह की चेतावनी भी कोई जारी की गई है कि आने वाले वक्त में क्या अलग ट्रेमर्स महसूस किए जा सकते हैं, झटके और आ सकते हैं, सचेत रहे, कुछ इस तरह के भी किया गया है? देखिए फिलहाल परसों जी खासतौर से सेना की जो यूनिट है उत्तराखंड में उनको अलर्ट जरूर करने के लिए कहा गया है और उनसे दूर दराज के इलाके हैं क्योंकि सेना खुद
दूरदराज के पहाड़ी इलाकों में तैनात है, चाहे उत्तराखंड में अगर हम रुद्रप्रयाग की बात करें, वहां पर जोशीमठ के अलावा रुद्रप्रयाग माणा तक सेना की यूनिट है, उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। सेना मुख्यालय दिल्ली से जानकारी दी गई है। इसके अलावा पिथौरागढ़ की बात करें, वहां पर जो सेना की यूनिट है, बॉर्डर के इलाके हैं, वहां पर खासतौर से सेना के लोगों को इस भूकंप से जुड़ी जानकारी जुटाने और अगर किसी तरह का जानमाल का नुकसान की खबर आती है तो उससे निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो ये यहाँ से दिल्ली से हम जानकारी सेना की तरफ से दी जा रही है। सेना की यूनिटों को वहां पर हाई अलर्ट पर रखने के लिए कहा गया और साथ ही जो पुलिस प्रशासन है, जो स्थानीय प्रशासन है, उसकी मदद के लिए भी। अच्छा, हमारे साथ गौरव भी जुड़ गए हैं जो कि लगातार जानकारी दे रहे थे, वो वहीं पर मौजूद से भूकंप महसूस किया गया है। गौरव, हेलो। हाँ गौरव, बताइए क्या स्थिति है वहां भूकंप के बाद। पुनः प्रसून जी, जब मैं यहाँ पर एक होटल में हूँ, चार मंजिला इमारत के अंदर, और 10:35 पे इतनी तेजी से सब कुछ हिलने लगा, ना ही सिर्फ बेड बल्कि सारे पर्दे पंखे सब कुछ हिलने लगे, तो काफी सारे जितने भी गेस्ट थे सब बाहर निकल के आ गए और सबके अंदर काफी ज्यादा दहशत का माहौल था। बट अब मैं समझ रहा हूँ कि सब ठीक है, लोग वापस आ रहे हैं। रात को रुकना है तो मुश्किल सा ही लग रहा है। नहीं तो कितने लोग थे वहां पर और किस तरीके से ये झटके महसूस किए गए? जी यहाँ पर झटकों की जो, क्योंकि रुद्रप्रयाग यहाँ से कुछ ही किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 30-40 किलोमीटर पे है यहाँ पर रुद्रप्रयाग, तो झटकों की तीव्रता बहुत ज्यादा थी। मैं नहीं समझता जिंदगी में मैंने कभी इससे ज्यादा तेज झटके कभी महसूस किए हैं यहाँ पे। उन इलाकों में कोई कच्चे मकान भी हैं क्या इस तरीके से, जो लगातार हम लोग जिस बात का डर महसूस कर रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि, चूंकि ये पूरा पहाड़ का इलाका है, आप तो होटल में मौजूद थे, लेकिन उस पूरे इलाके में किस तरह से रिहाइश है लोगों की? कि जैसे कि ये इलाके हैं, ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है, यहाँ पे कुछ कुछ इमारतें हैं जो कि बहुत ज्यादा ही पुरानी है। मतलब अगर आप उनका नापें तो 70-80 साल पुरानी इमारतें हैं जो देखने में लगती है काफी कमजोर। बट अभी मैं नीचे रिसेप्शन पे भी गया, बात करी तो लग रहा है कि सब कुछ सीख गया, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि रात में ऐसे कोई दोबारा झटके। चलिए ठीक है गौरव, बहुत शुक्रिया आपने। इन्होंने हमें मैसेज भेजा था कि आप हमसे बात कीजिए, हम वहीं पर रुके हुए हैं और हमारी जानकारी में है कि इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने महसूस किया और सारे लोग नीचे आ गए हैं। बहरहाल इन सब के बीच यह भी जानकारी दे दें कि NDRF को कहा गया है कि आप तैयार रहिए। इसका मतलब ये होता है कि आप किसी भी हालात से आने वाले वक्त में अगर इसी तरह की कोई। जितेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए प्रसून जी, गृह मंत्रालय ने उन राज्यों से रिपोर्ट मांगी है जिसमें दिल्ली NCR से तो जानकारी ली ही गई है, साथ ही उत्तराखंड में जो भूकंप की जानकारी मिली है उसके मुताबिक वहां पर 5.8 ये भूकंप आया और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने NDRF को अलर्ट रहने के लिए कहा है और ये भी कहा है कि जो गृह मंत्रालय में 24/7 एक डिपार्टमेंट है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट को देखता है, वहां पर लोगों को लगाया गया है और तुरंत तुरंत सारी जानकारी ली जा रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये पूरी जानकारी दे रहे हैं, साथ ही NDRF के DG जो है उनसे भी बातचीत किया गया है और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि NDRF के कुछ टीमें गाजियाबाद में मौजूद हैं, उनको अलर्ट रहने के लिए जानकारी दी गई है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह खुद सीधे संपर्क में है, 24/7 जो डिपार्टमेंट है गृह मंत्रालय में वहाँ 24 घंटे लोग रहते हैं और पूरी जानकारी राज्यों से ली जाती है, जिन जिन राज्यों में भूकंप के झटके आए हैं, जान माल का क्या नुकसान हुआ है, उन तमाम चीजों की जानकारी इस वक्त गृह मंत्री राजनाथ सिंह ले रहे हैं। चलिए, अच्छा हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रावत जी, जानना चाहेंगे ये क्या व्यवस्था है वहां पर, किसी तरह की और क्या जानकारी आ रही है भूकंप को लेकर? मैंने अभी जहां बताया जा रहा है इपिक सेंटर था करके, वहां के जिलाधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभी जान माल की ऐसी नुकसान की वो नहीं है, लेकिन हो सकता है कुछ घरों में दरारें हों और कोई नुकसान हुआ हो, फिर भी जो है सब जगह अलर्ट किया गया है और जानकारी ली जा रही है और हमारी तैयारियां ऐसी स्थिति से निपटने के लिए पूरी हैं। हमने SDRF को अलर्ट कर दिया है, हमारी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है उसको भी, और जिला स्तर पर जो है जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है
उसको भी कहा गया है कि जिलाधिकारी की उस अथॉरिटी के हैं उनको सबको अलर्ट किया गया है कि आप इसको जरा देखिए करके। तो कुछ दिनों से इस तरीके के झटके आ रहे थे, इस रिएक्टर स्केल पर नहीं थे मगर इससे कम थे, मगर हम लोग यह आशंका जरूर जता रहे थे कि तो उस हिसाब से हमने तैयारियां कर रखी हैं और लोगों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। आपने खुद महसूस किया? हाँ, मैं घर पे उसी समय आ रहा था तो मैंने उतने वो तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगा कि कुछ चीज अनिजोल जैसी हो रही है। मैंने जब पता किया तो पता चला कि वो बच्चों ने बताया कि भूकंप के बड़े तेज झटके आए करके। तो आपको तो ऐसा लगता है कि उत्तराखंड के वो इलाके जो खास तौर से नदी के किनारे हैं या पहाड़ की छांव में हैं, उन जगहों पर एक इंफ्रास्ट्रक्चर और जरूरत है, खास तौर से अगर भूकंप के झटके इस तरह में? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें जितना कुछ किया जाए वो कम है। हम लोग हमने कोशिश की है कि हमारे ब्लॉक स्तर, तहसील स्तर, हर स्तर पर जो है इस तरीके के सेल्स स्थापित हो जाएं और वो DDMA के तहत काम करें, और हमने स्टेट डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी जो यहाँ पर बनाई हुई है वहाँ भी निरंतर जो है इस दिशा में हम कदम उठाते रहते हैं। मगर ये एक आकस्मिक चीजें होती हैं तो उसके लिए हमारा रिस्पांस टाइम जितना क्विक हो, जितना अच्छा हो और जितना व्यापक हो, बड़ा हो, वो बहुत आवश्यक है। उसके लिए हम वॉलंटियर कोर भी खड़ा कर रहे हैं और अब हमने ये भी तय किया है कि हम हर गांव के अंदर 5 ऐसे आपदा प्रहरी भी तैयार करेंगे ताकि कहीं भी कोई किसी तरीके की स्थिति आती है, वो बाढ़ से भी हो सकती है, भूस्खलन से हो सकती है, भूकंप से हो सकती है, आग से हो सकती है, उसके लिए हम तैयारी रखेंगे। तो ये अजीबोगरीब संयोग है कि रुद्रप्रयाग एपी सेंटर है और रुद्रप्रयाग का नाम भगवान शिव के रौद्र रूप में अवतार आने पर पड़ा था और ये प्रकृति का एक रूप है। पहले से ही पिथौरागढ़, चमोली और रुद्रप्रयाग इस और उत्तरकाशी इसके इससे प्रभावित हुए रहे हैं और जान माल का भी नुकसान हुआ है और इसलिए एक आशंका डर हमेशा बना रहता है। चलिए रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े और जिस तरीके की जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि इन इलाकों में लगातार झटके महसूस, लेकिन आज का झटका जो था ये कई मायनों में कहीं ज़्यादा भारी झटका था और इन इलाकों में जो एक भूकंप से कहीं ना कहीं भूकंप से जूझने के लिए जो एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो और मजबूत होना चाहिए, इसका जिक्र भी वो लगातार कर रहे थे। और खासतौर से पहाड़ों के इलाकों में जब एक बार रौद्र प्रकृति का देखा गया था और जिस तरीके से केदारनाथ, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि केदारनाथ सबसे नज़दीक का इलाका है, वहाँ पर चार धामों में से एक है, तो अलग अलग ये पूरे इलाकों का एक ज़बरदस्त धार्मिक महत्व जरूर है क्योंकि कुछ दूरी पर अगर आप जाएंगे रुद्रप्रयाग से तो सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पर वहाँ पर अगस्त मुनि है जो कि मंदाकिनी नदी के तट पर है। यहाँ पर ऋषि अगस्त जो थे कई वर्षों तक तपस्या उन्होंने की थी और उसके बाद इस मंदिर का नाम ही वहाँ पर अगस्तेश्वर महादेव ने ऋषि अगस्त के नाम पर रखा था। जब प्राकृतिक आपदा पिछली बार आई थी जिससे पूरा उत्तराखंड तहस नहस हो गया था, असर उसका यहाँ पर भी पड़ा था। तो फिर गुप्तकाशी का इलाका जो है जहाँ पर गंगा और यमुना का मिलन होता है और महाभारत से इसका जुड़ाव है, तो ये पूरा इलाका कई मायनों में महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं हिंदू धर्म के साथ चीज़ों को जुड़ाकर उसको सहेजने की ज़रूरत भी है। लेकिन बहरहाल ये हम आपको बतला दें कि जो भी बात हमारी लगातार हो रही है उस बातचीत में एक बात है कि कहीं कोई नुकसान की कोई खबर नहीं आई है, ये एक अच्छी बात है और हर जगह एक अलर्ट पे है, चाहे वो दिल्ली से NDRF को कर दिया गया हो, राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने तौर पर कर दिया है। हम SP से बात कर रहे थे पिथौरागढ़ के, उन्होंने कहा हम भी अलर्ट पर हैं। और अब देखिए 11:33 का वक्त है तो पूरे एक घंटे हो चले हैं। श्वेता, और क्या जानकारी, चूंकि ठीक एक घंटे पहले हमने झटका महसूस किया था और अब एक घंटा हो चला है। जी, अभी तक भी जो जानकारी आ रही है उसमें खबरें संतोषजनक ही हैं, कहीं से कोई जानमाल के नुकसान की खबर नहीं आ रही? नहीं, कोई खबर नहीं है अभी तक, किसी जानमाल की खबर, नुकसान की खबर नहीं है कहीं से भी। और फिलहाल जो स्थिति है उसमें लग रहा है कि स्थिति बहुत कंट्रोल में है और लोग रिपोर्ट ठीक आ रही है,
कहीं से किसी जानमाल की नुकसान की खबर नहीं है। जी प्रसून जी, चूंकि अभी आपने जिक्र भी किया था कि जहां से नदी बहती है वहां से कोर्स किस तरीके का होता है, तो आपको बताएं कि जो गंगा है यानी भागीरथी जिस हिस्से में उन्हें कहा जाता है वहां पर उनका कोर्स बदलने की कोशिश की जा रही है, वहां पर निर्माण इस हिसाब से हो रहा है, कोई खबर है अशोक जी? बिल्कुल श्वेता, देखिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह पूरी स्थिति पे नजर रखे हुए हैं, उन्होंने रिपोर्ट मांगी है जहाँ जहाँ भूकंप आया है, और दूसरा एनडीआरएफ को अलर्ट पर रखा गया है, कोई भी ऐसी अगर सूचना मिलती है तो एनडीआरएफ को तैयार रहने के लिए कहा गया, और राजनाथ सिंह पल पल की जानकारी ले रहे हैं, तमाम राज्यों से उनके मुख्यमंत्रियों से लगातार संपर्क बनाए हुए हैं कि क्या अपडेट है और क्या जानकारी वहाँ से मिल रही है, तो पूरी सरकार केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर के काम कर रही है इसको लेकर के। जी तो जानकारी प्रसून जी यही लगातार आ रही है, क्योंकि इलाके ऐसे हैं बहुत रिमोट इलाके हो जाते हैं कि जानकारी कितनी आ पा रही है कितनी मिल पा रही है वो कम है, और इसीलिए गृह मंत्री भी अभी जैसा अशोक जी भी बता रहे हैं और जैसा अभी जितेंद्र ने भी हमें बताया था कि पूरी जानकारी और पैनी नज़र रखी जा रही है क्योंकि पल पल कुछ भी हो सकता है, इसीलिए सब बिल्कुल चौकस हैं, रात के इस वक्त कहीं कोई कोताही ना हो जाए, ये लापरवाही ना हो जाए कि अंधेरा हो चुका है अरे अभी तक कोई खबर नहीं आई है, इसीलिए अलर्ट सब पूरी तरीके से हैं। जहां तक हम भागीरथी की बात कर रहे थे उसके कोर्स को बदलने के लिए पक्का निर्माण किया जा रहा है, तो एक तो वो चिंता की दृष्टि से हो जाता है, लेकिन एक सुकून ये हो जाता है प्रसून जी कि जब भी बर्फबारी उस इलाके में शुरू होती है बाकी पहाड़ी इलाकों से अलग ये अपने घरों को छोड़कर नीचे वाले उस हिस्से में आते हैं जहां पर ज्यादा आपको सेफ्टी रहती है, और इसीलिए बहुत कम गुंजाइश है कि उन ऊपरी इलाकों में जहां सबसे ज्यादा ऐसे भूकंप के बाद भूस्खलन या हिमस्खलन का खतरा हो सकता है वहां से लोग नहीं होंगे, वहां पर आबादी कम से कम होगी, जैसे गंगोत्री का ही इलाका हो जाता है, आम दिनों में वहां 200 लोगों की आबादी रहती है उस गाँव में, लेकिन इस मौसम में वहां पर केवल 2 लोग रहते हैं सिर्फ, इतने जो वहां का रख रखाव कर सके, तो इसीलिए उस लिहाज से नुकसान की खबर कम से कम होगी और बाकी नजर हम रखे हुए हैं प्रसून जी। यकीनन, और जो हम रुद्रप्रयाग का बार बार जिक्र कर रहे हैं हम इसलिए भी दर्शकों को समझाना चाह रहे हैं कि ये इलाके का क्या महत्व है और यहाँ की स्थिति क्या है, और समुद्र तल से अगर हम देखिए जिक्र करना शुरू करें तो वहाँ पर सबसे करीब जो 18 किलोमीटर की दूरी पे अगस्त मुनि का है वो समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई पर है, उसके बाद आप पहुँचिएगा गुप्तकाशी, गुप्तकाशी समुद्र तल से लगभग 1319 किलोमीटर यानी 319 मीटर की और ऊंचाई हो गई, पहाड़ का इलाका ऐसा है। उसके बाद आप और आगे बढ़िएगा तो खिरसू का इलाका आएगा, यहाँ से लगभग ये खिरसू पौड़ी से 19 किलोमीटर की दूरी पर है। यस अच्छा, हम इस जानकारी दें, हमारे साथ चौहान साहब जुड़ चुके हैं जो कि आईटीबीपी से जुड़े हुए हैं। चौहान साहब, किस तरह की स्थिति है वहां पर और क्या भूकंप के बाद स्थिति के बाद सारी चीजें अनुकूल है ना, कोई मुश्किल तो नहीं है? देखिए प्रसून जी, लगभग 10:30 की बात है और जैसा कि आप जानते हैं औली जो कि एक बहुत ठंडी जगह है तो सभी लोग अपने घरों में बैठे थे, उसी समय बहुत तेजी के भूकंप के झटके महसूस किए गए और ऐसे झटके पहले शायद नहीं महसूस किए गए हैं, और कोई 25 से 30 सेकंड के लगभग ये झटके महसूस किए गए, और उसके बाद जब हमने अपने लोगों से पूछा तो अभी तक तो कोई ऐसी सूचना नहीं है कोई नुकसान वगैरह की, और सभी जगह पता करने के बाद लगा है कि अभी ऐसा कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन जो भूकंप के झटके थे वो काफी तेज थे और काफी जोरों से जो है पूरी जो बिल्डिंग्स वगैरह है वो हिल रही थी। खासतौर से उस इलाके में चूंकि बड़े धार्मिक स्थल बहुत सारे हैं तो इन इलाकों में किस तरह की व्यवस्था है, चूंकि मान लीजिए भूकंप आते हैं तो कोई प्रभाव पड़े तो उसके लिए कोई व्यवस्था है क्या? देखिए जैसा हम जानते हैं कि 2013 में भी यहाँ पर एक भयंकर आपदा हुई थी। जी जी। उसके बाद काफी प्रयास किए गए हैं कि चीजों को ठीक करने के लिए, लेकिन इस तरह के जो प्राकृतिक जो आपदाएं आती है उसके बारे में चूंकि पहले से कोई जानकारी नहीं होती है तो समय के साथ साथ जो प्रबंधन किया जाता है या जो मैनेजमेंट किया जाता है वो उसके बाद ही किया जा सकता है, लेकिन मैं समझता हूं कि 2013 के बाद शायद काफी सुधार इसमें हुआ है और शासन प्रशासन भी शायद इसके लिए तैयार होगा। और इन इलाकों में जो लोगों की रिहाइश है वो बहुत मुश्किल में रहते हैं, जमीन सीधी नहीं होती है, जमीन प्लेन तो होती नहीं है, पहाड़ी इलाका होता है, तो क्या इस तरह के भूकंप का असर उनके जिंदगी पर भी पड़ता होगा वहां पर? जी जरूर पड़ेगा, अगर ऐसा नुकसान अगर इस भूकंप से हुआ है जहां पर रास्ते कट जाते हैं और लैंडस्लाइड्स वगैरह हो जाती हैं तो उससे जरूर नुकसान पड़ेगा, लेकिन चूंकि अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है तो ये अभी कहना संभव नहीं होगा। नहीं, अच्छा है नुकसान ना हुआ, हम लोग बार बार नुकसान का जिक्र बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं।
अब हमें लग रहा है कि एक अच्छी बात है कि 5.8 बहुत बहुत शुक्रिया चौहान साहब, आपने जानकारी दी वहाँ से। और ये बता दें कि एक अच्छी बात है कि 5.8 एपिसेंटर होने के बावजूद भी रिक्टर स्केल पर जो था वो रुद्रप्रयाग का इलाका था। इस पूरे इलाके का एक अपना बड़ा धार्मिक महत्व है। ये पूरा इलाका जो 2013 का जिक्र भी हो रहा था आपदा से प्रभावित, उसके बाद स्थिति को काफ़ी अनुकूल किया गया, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया गया है, लेकिन फिर भी भूकंप जैसे आपदा के बाद और आपदा के दौर में स्थिति क्या है क्या नहीं है, मेरे ख्याल से कुछ और चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। हम एक छोटा सा तो खबर अच्छी है कि किसी तरह के कोई जान माल की हानि नहीं हुई है। रुद्रप्रयाग इसका एपी सेंटर था और वहाँ पर 5.8 रिक्टर स्केल पर नापा गया। उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में भूकंप का असर दिखाई दिया, लोगों में दहशत हुई, लोग घरों से बाहर निकले। दिल्ली और एनसीआर का इलाका, खासतौर से दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, इन जगहों के इलाके में लोग बहुमंजिली जो इमारतों में रहते थे वो धड़ाधड़ नीचे उतरे। जो दफ्तर रात में चल रहे थे, खासतौर से हम जिन इलाकों में हैं वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल मच गया। और जिस तरीके से 15 सेकंड तक तो लगा जमीन हिल रही है और उसके बाद ठहरी, लेकिन अच्छी बात यह हुई कि उसके बाद कोई दूसरा झटका महसूस नहीं किया गया। और तमाम जगहों पर, चाहे वो उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश का इलाका हो, चंडीगढ़ का इलाका हो, कुछ पंजाब के इलाके हों, कुछ कश्मीर के इलाके हों, तमाम जगहों से जो हमारे संवाददाताओं ने जानकारी दी है उसके मुताबिक झटके हर जगह महसूस किए गए, दहशत की स्थिति हर जगह थी, लोगों में एक तरह का खौफ भी था, लोग सड़कों पर भी आ गए। चूंकि रात के 10:33 पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जो सो रहे थे वह उठकर किसी तरीके से जमीन पर पहुंचना चाह रहे थे, जो बहुमंजिली इमारतों में, खासतौर से हमारे एक सहयोगी निशान जो 26वीं मंजिल पर थे, वो बोले हमारे पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं था सिवाय इसके कि महसूस किया जाए। ये स्थिति दिल्ली के कई जगहों पर है बहुमंजिली इमारतों में। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस दौर में भूकंप रोधी घर भी बनने शुरू हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर नदियों के किनारे और पहाड़ों पर के किनारे गाँव में होना चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ मौजूद नहीं है। खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तराखंड 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद चीज़ें मजबूत की गई है, लेकिन और ज़्यादा या कहीं कितनी भी ज़्यादा वहाँ लगातार इस दिशा में काम होते रहना चाहिए, जिससे कि प्राकृतिक आपदा, चूंकि प्राकृतिक आपदा इसलिए महत्वपूर्ण क्योंकि रुद्रप्रयाग के इलाके में नदियाँ बहती हैं और वहाँ पर नदियों का मिलन, गंगा का वहीं से निकलना, धार्मिक स्थल के तौर पर उसकी मौजूदगी, रुद्रप्रयाग की पहचान, और ये सारी स्थितियों के बीच ये बता दें कि अलकनंदा, मंदाकिनी, देवप्रयाग जाकर भागीरथी से मिलना, गंगा नदी का निर्माण, ये पूरा का पूरा इलाका जो है आप कह सकते हैं कच्चे पहाड़ भी यहाँ पर हैं और ज़मीन भी कच्ची है। तो ऐसे में आने वाले वक्त में क्या इसका कोई असर ज़मीन के नीचे से नदियों पर पड़ेगा या कच्चे पहाड़ जो थे उसका क्या असर हुआ होगा, ये तो सुबह होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन एक स्थिति यह है कि प्लेट्स के खिसकने से, ज़मीन के नीचे जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती है उसके हिलने से ये जो भूकंप आता है उसका असर ऊपरी सतह पर जब पड़ता है तो खासतौर से जो नदियों का इलाका, जो बेसिन का इलाका होता है वहाँ पर इसका असर कहीं कुछ ज़्यादा हो सकता है। ये हम बता दें, स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन दिल्ली में नवंबर में महसूस किया गया था झटका, उसके बाद अब महसूस किया गया 2016 के उस समय, हालांकि रिक्टर स्केल पर सिर्फ 4.4 था, लेकिन इस वक्त 5.8 की उससे आया है रिक्टर स्केल पर। और एपिक सेंटर चूंकि पहाड़ के इलाके में है तो उन इलाकों में जो भी स्थिति है फिलहाल जानकारी यही है कि सुखद है सब कुछ। लोग जो तुरंत झटके में निकल कर आए थे, ये तुरंत का नहीं है, हम आपको बतला दें, ये घंटे पहले, चूंकि 10:33 पर भूकंप आया था, उस वक्त हम लोगों से जो पूछ रहे थे उनका क्या कहना था ये सुनिए, जो दहशत थी उनमें, जिसे अब डर का माहौल व्याप्त हो गया है और हम लोग बच्चों दोनों तो चलिए अच्छी खबर है। 10:33 पे जब हम इस भूकंप के साथ खबरों के बीच थे उस समय तो कैमरे, लाइट सब कुछ हिल रहा था, बड़ा अजीबोगरीब माहौल था, लेकिन अब एक अच्छी खबर है, इससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। चेतावनी दे दी गई है अपने तौर पर तैयार रहने के लिए उन इलाकों में, खासतौर से NDRF की टीम हो या फिर राज्य सरकार ने अपने तौर पर जो भूकंप रोधी दस्ते होते हैं उनको भी तैनात किया है, तो कोई चिंता की फिलहाल बात नहीं है।